मथुरा के राजकीय बाल शिशु गृह में करीब 12 बच्चों की तबीयत खराब होने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। 2 दिन पूर्व गंभीर हालत में 2 बच्चों को आगरा भर्ती कराया गया था, जिसके बाद दोनों बच्चों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। तो वहीं करीब 10 बच्चों को मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी बच्चों का उपचार चल रहा है। इन दिनों राजकीय शिशु सदन में करीब 47 बच्चे हैं, जिनकी देखरेख के लिए सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर बच्चे कुपोषण के चलते बीमार पड़ रहे हैं, उनकी देखरेख ठीक से नहीं हो रही है, या फिर उनको समय से भोजन नहीं दिया, या फिर उनके रहन सहन और खान पान की व्यवस्था में लापरवाही बरती जा रही है। बीमार बच्चों में 2 परसों, 4 कल, आज बताया गया कि 4 आए थे, लेकिन एक छोटा बच्चा और प्लस एक बड़ा बच्चा जो सामने है आज और आ गए हैं अभी थोड़ी देर में। तो इनका देखिए, वो सामने वो बेटी है, एक बड़ी और एक छोटी सी बच्ची, इतने बच्चे बीमार हो गए, जिसमें 2 की डेथ बताई जा रही है और एक बच्चा बहुत छोटा 6 माह का ही जो पैदा हुआ है, उसके बारे में जो आगरा में है वो बता रहे हैं कि वो भी सीरियस है, लेकिन डॉक्टर लोग वहाँ भी देख रहे हैं और यहाँ सारा डॉक्टरों की टीम। फिर क्या लगता है किसकी लापरवाही के दूर की? लापरवाही तो जिसकी होगी, इसमें जिसकी भी होगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जो लग रहा है, ये दूधे बच्चे हैं तो दूध का संबंध कहीं ना कहीं से इसमें है, जिसकी सैंपलिंग भी करवाई जा रही है। टीम पहुँच गई है शिशु गृह में और दूध की सैंपलिंग। ये बच्चे दूध पीते हैं, कोई भोजन अलग से कुछ नहीं खाते हैं, हो सकता है दूध में कुछ हो, तो इसकी सैंपलिंग के CDO साहब ने आदेश कर दिए, सैंपलिंग के बाद निकल के आएगा दूध। आमतौर पर ये देखा गया है कि इस प्रकार के स्थानों पर जब कभी भी कोई भोजन कराया जाता है तो उसको पहले से जांच लिया जाता है, ये तय कर लिया जाता है कि वो खिलाने योग्य है। पहली बंद दूध है तो जाँच लिया जाता है या नहीं जाँच लिया जाता वो तो बात ही नहीं हो गई, हम खाना तो बना नहीं। थैली बंद दूध है, उसको थैली को काटते हैं और बॉयल करते हैं, बच्चों को पिलवाया। सर वहाँ 47 बच्चे हैं, 47 बच्चों में से करीब 1 दर्जन बच्चों की ये बच्चे जो है दूध पीने वाले बच्चे हैं, भोजन करने वाले बच्चों के। कितने बच्चे आए हैं सर? कुल कितने बच्चों की संख्या है? कितने बच्चे आए हैं? 12 बताया, 12 एडमिट है, 2 एक्सपायर हो चुके हैं, 4 आगरा में एडमिट है, 6 यहाँ। अभी इनकी हालत कैसी है सर? अभी ठीक है, एकदम ज़्यादा ठीक भी नहीं कहेंगे।